बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कमीज़ के चाक और दामन पर फोल्डिंग पट्टी लगाना सिखाऊंगी कि चाक और दामन पर फोल्डिंग पट्टी कैसे लगाते हैं और कार्नर को कैसे परफेक्ट तरीके से बनाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम चाक वाले हिस्सों को ऐसे फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हमने ऐसे तय बिठा ली है। आप चाहें तो चाक की मदद से मार्क भी कर सकती हैं, लेकिन प्रेस करने वाला तरीका ज़्यादा आसान है। ये देखें, दोनों साइड से हमने ऐसे प्रेस करके तय बिठा ली है। अब हम ऐसे रखेंगे चाक वाले हिस्से को और ये फोल्डिंग पट्टी लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद यहाँ से फोल्ड करेंगे। और अब ऐसे रखने के बाद हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से करना ये है कि आपने ऐसे हाथों की मदद से इसको प्रेस करके लेकर आना है, ऐसे। ठीक है, अच्छे से इसको प्रेस करके लेकर आना है। इसके बाद ऐसे इसको पकड़ें। देखें, दोबारा ऐसे पकड़ें और ऐसे फोल्ड कर लें। अगर आपको मुश्किल लगे तो इस साइड पर भी सिलाई का मार्जिन रखने के बाद आप मार्क करके उसके ऊपर ऐसे रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें। इस साइड पर भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड से भी हमने अब इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। और यहाँ से भी हमने हाथों की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए लेकर आना है। इसका फ़ायदा ये है कि बाद में कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करना है। आप और इस साइड पर भी हमने ऐसे ही किनारे किनारे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है।
ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेंगे। जी हमने प्रेस कर लिया है और ये देखें हमारा कॉर्नर कितना परफेक्ट बना है बगैर किसी दुश्वारी के। अब हमने इस सिलाई के साथ एक कर्ल लगा लेना है जितना कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसी तरह इस साइड पर भी हमने बिल्कुल सिलाई के साथ एक कर्ल लगा लेना है, ये देखें। ठीक है, अब हम ऐसे फोल्ड करने के बाद किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो हमने कट लगाया था यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, ये देखें ऐसे। ठीक है, अब इसको ऐसे फोल्ड करें, ये देखें अब सिलाई कर लें। इस तरीके से फोल्डिंग पट्टी लगाने से कॉर्नर बहुत ही आसानी से बन जाता है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर कटिंग स्टिचिंग के अलावा लेटेस्ट डिज़ाइन आइडियाज़ के लिए भी वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ये दामन डिज़ाइन बनाना सीखना चाहती हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब इस साइड से भी हमने ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। ये कॉर्नर भी हमारा रेडी है। ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही नीटनेस के साथ हमारे चाक और दामन पर फोल्डिंग पट्टी लग चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।